वेलकम, माय नेम इज खुशाली कच्ची। वेलकम टू दिस लेक्चर जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएमपी क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट टर्म के हैं। वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ भी टाइम पास करे बगैर इकोनॉमिक्स के फर्स्ट टर्म के शॉर्ट 5 मार्कर्स। अब आपकी स्कूल में कैसा हो सकता है, इधर आपकी स्कूल में आपका कोर्स चैप्टर नंबर 1 to 4 हो सकता है, काफ़ी स्कूल्स में 1 to 5 चैप्टर्स होते हैं और काफ़ी स्कूल में 1 to 6 चैप्टर्स होते हैं। काफ़ी स्कूल्स वैसी भी होगी जो थोड़ी डिफरेंट होगी, वो लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि काफ़ी लोग 7 चैप्टर भी इंक्लूड कर देते हैं, या तो 1 2 3 4 करवाते हैं, बाद में 7 8 इंक्लूड कर देते हैं। पर मैंने जो कोर्स स्ट्रक्चर आपका जो पूरा रखा गया है, मैं मेंशन भी करूँगी कौन कौन से चैप्टर है। मैंने चैप्टर 1 to 6 का ही रखा गया है। अगर आपका चैप्टर 5 6 नहीं है इट्स ओके, तो वो आप स्किप कर देना कि वो आपका नहीं है। पर मेरा काम जो है, मैं 1 to 6 चैप्टर का पूरा आपको आईएमपी दे देने वाली हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मतलब ये वाला पीडीएफ चाहिए, तो uk IC online.com वेबसाइट है, ऐप भी है iOS और एंड्रॉयड में, आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसमें कौतिल्य नाम की बैच है और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें ही आपको ये पीडीएफ में अपलोड कर दूँगी, तो आप पीडीएफ भी देख सकते हो, ठीक है। पर मैं आपको पूरा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके जाने वाली हूँ, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, आपको एक रिविजन भी मिल जाएगा। चलो, चैप्टर नंबर 1 to 6 जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने चैप्टर 5 के ये 2 क्वेश्चंस रखे हैं, आगे भी आएंगे पर स्टिल ये चैप्टर नंबर 5 के 2 क्वेश्चंस हैं। ये है परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा इक्वल रहती है, टोटल रेवेन्यू ही बढ़ता है। एक बार फिगर देख लेना और हो सके तो वीडियोस भी देख लेना। चैप्टर नंबर 1 to 6 के अपलोडेड हैं, आप वापस से देखो और वापस से टॉपिक को समझो, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। परफेक्ट कंपटीशन में हर चीज़ बहुत इक्वल रहती है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल रहेगा, अब उसका ग्राफ भी देखना, और बाद में टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता है। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कब, तो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में जब बात की जाती है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू धीरे धीरे कम होगा, बट मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी लेसर देन एवरेज रेवेन्यू। तो कुछ ग्राफ भी देखोगे तो एक ऐसा होगा, ये एवरेज रेवेन्यू होगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, उससे कम रहेगा। अच्छा बोले, ऐसा होता है। ये आप एक बार ग्राफ देख लेना, क्योंकि ये 5 मार्कर हम लोग कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो ध्यान में रखना। पहली चीज़ कि आपको कौन कौन से सीक्वेंस फॉलो करनी रहेगी। भाई सबसे पहला एक सीक्वेंस रहेगा कि आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपको मीनिंग लिखना है, कोई भी, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन, इसमें आप लिख सकते हो कि एवरेज रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली क्या है। अगर आपके अंदर चैप्टर 6 ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अगर आप में 5 चैप्टर्स ही है तो ओके फाइन, नहीं पता है मुझे इतना परफेक्ट कंपटीशन, तो बेसिक आपको इंट्रो लिख देना है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू पता है, मीनिंग लिख दो। उसके बाद अगर कुछ है कैरेक्टरिस्टिक्स वाला भी, एक मैंने चैप्टर 6 वाला कैरेक्टर, तो आप उसके हेड पॉइंट्स बनाओ, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करो प्रॉपर्ली, और लास्ट में कंक्लूजन भी होना चाहिए, आपका आंसर एंड कंक्लूजन से होना चाहिए, तो ही कोई भी टीचर को वो चेक करना अच्छा लगेगा, ठीक है। CLU है ये, मैंने, ठीक है, आप समझ लो, ठीक है, तू समझा, हाँ। चलो, उसके बाद जाता है भाई चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन है, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई कुछ इस हिसाब से ग्राफ बनाया। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में। भाई लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव है, तो ये ऊपर के साइड जाता है। लॉ ऑफ डिमांड में इस हिसाब से जाता है, डाउनवर्ड जाता है, ठीक है। ये खाली याद रखना, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ डिमांड भी आईएमपी क्वेश्चन में रखा है, मगर क्यों, वो भी पूछ सकते हैं। अगर 1 to 4 ही है तो भाई आपके पास और कोई स्कोप ही नहीं है कि और कुछ पूछ सके। पर ये है एक स्केड्यूल के साथ, डायग्राम के साथ, प्रॉपरली आपको स्केड्यूल बनाना है डायग्राम, और जितना नीट एंड क्लीन हो सके डायग्राम उतना अच्छा रहेगा। बाद में आता है यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 3 का है, और ये चैप्टर नंबर 3 के वीडियोस में देख लेना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने बहुत प्रॉपर्ली सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाए गए हैं, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इन और यूनिटरी इलास्टिसिटी। ये हो गया, बस करो। इसके सारे सिम्बॉल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और साथ में छोटे छोटे डायग्राम, इसमें स्केड्यूल नहीं होते, आपके लॉजिक के हिसाब से। मैंने एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आएंगे। ये वो जाता है। देन जाते हैं डिस्कस इन डिटेल्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अगर आपको फैक्टर्स याद रह जाएगा तो लॉ ऑफ सप्लाई में जब असम्पशंस लिखते हैं तो वो तो ईजी बन जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आपको एक बार देख के जाना है। ये चैप्टर नंबर 4, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 5, जहाँ पे मैंने आपको रियल कॉस्ट, मॉनिटरी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया था। रियल कॉस्ट जनरली क्या होता है कि अगर कोई इंसान, हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको रियल कॉस्ट को नॉन मॉनिटरी कॉस्ट भी कह सकते हैं, स्ट्रेस, फैटिग और वो सारी चीज़ें। मैं ऊपर से खाली आपको समरी, क्योंकि वीडियोज़ तो मैंने डाले हुए हैं, तब गो थ्रू वो भी कर सकते हो, बट खाली मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई चीज़ को आप छोड़ देते हो, ठीक है, जो चीज़ को आप चूज़ करते हो उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी था, पर वो आपने जाने दिया इसलिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। वो समझना, भी खाली मैं आपको समझा रही हूँ। और मॉनिटरी कॉस्ट जो पैसों से मेजर किया जाता है उसे मॉनिटरी कॉस्ट बोला जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये चैप्टर नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। तो वो तो आपने बहुत पहले ही देख लिया, आपके यूनिट टेस्ट में भी हो गया होगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 में मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रही, वो तो आपको, मुझे लगता है कि इतनी बार एग्जाम स्कूल में भी हो गई होगी, हर जगह पे हो गई होगी, तो दैट वुड बी इजी। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या है कि प्रोफेशनल लोगों को काम लगता है। उसके बाद हिस्ट्री जानने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंटरनेशनल कोई भी इवेंट्स होती है तो आपको जानने के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी रहेगी। बाद में आता है प्राइस डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, वेरी वेरी, ये जब चलाया था तभी भी मैंने बोला था बहुत बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे प्राइस डिटर्मिन होता है, डिमांड और सप्लाई पे। इंडिविजुअल सप्लायर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कस्टमर्स, दे कैन नॉट डिसाइड दी प्राइस। उसके बाद आता है गिव द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विथ एग्जाम्पल, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये आप लोगों का 8, 9, 10 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपको प्रॉपरली और विथ एग्जाम्पल। मैं एंटरप्रेन्योर में अभी ये लिख रही हूँ, आप समझ गए हो। चलो, ये चैप्टर नंबर 2। बाद में आता है डिमांड और उसके फैक्टर्स। डिमांड और उसके फैक्टर्स कर लिए तो लॉ ऑफ डिमांड मैंने आगे रखा ही है, तो फैक्टर्स आ गया तो अजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रह जाएगा। देन जाते हैं ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटर मेथड है। ये चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखना, चैप्टर नंबर 1 जब हम लोग 12th इको में पढ़ेंगे उसमें भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन है, ग्राफ और डायग्राम। ओह, ऐसा है क्या। बाद में मार्केट कैसे क्लासिफाई होता है, लोकेशन और क्वांटिटी वाइज। लोकेशन और क्वांटिटी वाइज में क्या था, लोकेशन में होता है किस हिसाब से, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। एंड क्वांटिटी में क्या होता है, रिटेल और होलसेल। रिटेल स्मॉलर क्वांटिटीज में होता है और होलसेल जो है वो बल्क क्वांटिटी में जाता है। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, किंग्ड डिमांड कर्व, इसका ही अंदर का पार्ट है, ठीक है, किंग डिमांड कर्व, वो भी पूछा जा सकता है। ओके, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली नहीं की गई है, अगर आप में चैप्टर नंबर 6 है तो, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखना, ये सारी टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें से चारों 4 जब मैंने पढ़ाए थे तभी भी बोला था ये चारों 4 5 मार्कर्स में पूछ सकते हैं। अब काफ़ी स्कूल्स ऐसा करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन 3 मार्क्स में भी पूछ सकती हैं, क्योंकि 6 ही पॉइंट है, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ दी पॉसिबिलिटीज के हो सकता है। इसमें भी, ओलिगोपोली में भी जनरली देखने जाओगे तो देर आर ओनली 6 पॉइंट्स, पर किंग डिमांड कर्व के वजह से उसका वेटेज 5 मार्क्स में भी चला जाता है, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, ठीक है। तो एक ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वहाँ पर। देन किंग डिमांड कर्व में भी एक ग्राफ आता है, वो ग्राफ भी आपको अगर इंडिविजुअली भी पूछ ले तो किंग डिमांड कर्व बेसिकली क्या है वीडियो देख लेना, और बाद में यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ, वो भी 3 मार्क्स में, ये 3 मार्क्स में इसके अंदर का एक टॉपिक पूछ सकते हैं। उसके बाद जाते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल दी फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। पहला आता है बूम, बाद में रिसेशन, थोड़ा स्लो डाउन, उसके बाद क्या आ जाता है तो कि भाई डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद रिकवरी आती है। रिकवरी में कौन हेल्प करता है, गवर्नमेंट हेल्प करता है। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन मैं लिखती जा रही हूँ, इसलिए आपके लिए इजी हो जाएगा। इंटर भाई बहुत ही ज़्यादा, अगर आपके पास चैप्टर नंबर 1 to 5 ही है तो ये तो भयंकर आईएमपी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में से, ठीक है। चैप्टर 5 का है कि कैसा एवरेज कॉस्ट और मार्जिन, तो आपको एक फेजेस जो मैंने समझाए थे कि पहले क्या था सीन, उसके बाद दोनों इक्वल हो जाता है और बाद में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, एवरेज कॉस्ट नीचे हो जाएगा, ये इस हिसाब से आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने हैं। बाद में ये चैप्टर 1 का है कि स्टैटिस्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। देखो भाई, चैप्टर 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, जैसे मैंने बोला 12 का चैप्टर 1 भी आपका उस पे ही बेस्ड है, तो ये जितना आपका क्लियर रहेगा तो वो 12 का तो एक चैप्टर आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 11 में इतना थोड़ा ध्यान रख दो, उतना ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर नंबर 1। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मज़ा आता है। बाद में वेरिएबल कॉस्ट और उसका डायग्राम, फिक्स कॉस्ट उसका डायग्राम, ये 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 मार्कर में हालांकि रखा है क्योंकि काफ़ी स्कूल्स वैसी होती है थोड़ी लिबरल, तो ये 5 मार्कर में पूछ ले कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगी कॉस्ट भी कम होगी। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, ये तो मैंने बोल ही दिया था, ये मैंने रखा ही है चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड याद रखना, ऐसे जाता है। और यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे 5 मार्कर्स। अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए तो आप uk ic online.com पे भी जा सकते हो, एंड्रॉइड और iOS की ऐप भी है, वहाँ पे आप कौतिल्य बैच में जाओगे, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे मैंने PDF अपलोड कर दी है, तो आप एक बार गो थ्रू कर दीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय एंड ऑल्सो ऑल द बेस्ट।